आज कहानी इन दो वीरांगनाओं की, जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का बदला त्रिपुरा के एक जिला मजिस्ट्रेट को मौत के घाट उतार के लिया था। गौर करने वाली बात यह है कि तब इनकी उम्र मात्र 14 साल थी। क्रांतिकारी इतिहास की सबसे तरुण बालाएं, जिनमें से एक का नाम शांति घोष और दूसरे का नाम सुनिधि चौधरी था। क्रांतिकारियों की मौत का बदला लेने के लिए दोनों अपने जिले के मजिस्ट्रेट स्टीवन के दफ्तर पहुंची। स्टीवन से मिलने का कारण बताया, तैराकी क्लब के लिए प्रार्थना पत्र। जैसे ही स्टीवन सामने आया, दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां स्टीवन के सीने में उतार दी। दोनों को उम्मीद थी कि उन्हें भी भगत सिंह की तरह फांसी पर झूलने का मौका मिलेगा, किंतु नाबालिग होने की वजह से अंग्रेजों ने काला पानी की सजा सुनाई, जहां उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं। लेकिन इससे भी ज्यादा यातनाएं मिली उन्हें इस कृतघ्न भारत से, जिसने कभी उन्हें याद करने के लायक भी नहीं समझा।